हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है पायल रेसिपीज हिंदी में। आज हम बनाने वाले हैं तिल गुड़ के हेल्दी लड्डू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो छोटी वाली कटोरी दिख रही है, उस कटोरी से मैंने डेढ़ कटोरी तिल और आधी कटोरी गुड़ लेके एक मिश्रण रेडी कर लिया है। इसे मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से मैंने पीस लिया है। तो यहाँ पर हमें लगने वाला है सूखा नारियल और खजूर, तो मैंने ये अच्छे से बारीक करके ले लिया है। और यहाँ पे मैंने ली है काजू और बादाम को थोड़ा सा क्रश करके, और एक कटोरी गुड़, दो चम्मच देसी घी। तो चलिए अभी हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। अभी हमें पैन रखना है और पैन में हमें जो हमने देसी घी लिया था दो चम्मच, वो डालना है। अच्छे से देसी घी को हमें गरम कर लेना है। फिर हमने जो एक कटोरी गुड़ लिया था वो हमें घी में डालना है और अच्छे से इसको पिघला लेना है। इसकी एक चाशनी हमें रेडी करनी है। चाशनी बनने में बहुत देर नहीं लगती। देखिए यहाँ पर गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और हमारी जो चाशनी है वो रेडी हो गई है। अब इसमें हमें जो हमने खजूर और सूखा नारियल अच्छे से पीस के रखा था वो डालना है। उसके बाद काजू और बादाम जो हमने कूट कर रखे थे वो डालने हैं। ये बहुत मैंने बारीक नहीं किया है, थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है। अब इसमें हमें जो हमने तिल और गुड़ का मिश्रण रेडी कर लिया है वो भी डालना है और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। गैस की जो फ्लेम है वो हमें धीमी रखनी है। अभी देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत अच्छी है। आपको अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखिए ये अच्छे से हो गया है, हम इसे निकाल लेते हैं। और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज, संक्रांति स्पेशल रेसिपीज़ आपको देखनी होगी तो मैं आई बटन पर दूंगी, आप ज़रूर देखना। अब मिश्रण जो है वो हल्का सा ठंडा हो गया है। इसे हमें पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, थोड़ा गर्म जब ये होता है तभी हमें इसके जो लड्डू है वो बना लेने हैं। अभी हमें हाथ को थोड़ा सा पानी लगाना है और थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेके अच्छे से जो हेल्दी हमारे लड्डू है वो बना लेने हैं। देखो इस तरह से, जब तक ये गर्म है तब तक ही इसके अच्छे से लड्डू बनेंगे। ये अगर पूरी तरह से मिश्रण ठंडा हो गया तो हमारे जो लड्डू है वो अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। तो गर्म मिश्रण में ही हमें इसके जो लड्डू है वो बना लेने हैं। तो इसी तरह से मैं सारे जो लड्डू है वो बना लेती हूँ। देखिए ये हो गए हैं। तो चलिए आप भी इस तरह से इस संक्रांति में हेल्दी लड्डू घर पर बनाकर देखिए और कैसे लगे ये मुझे कमेंट में बताइए। चलिए तो फिर मिलते हैं ऐसी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।